कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जलये जन्येन मधु मक्षिकासो संतस्य थेव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त सतम सृजन्ति। अर्थात कड़वा रस पीकर के भी मधुमक्खी जो है वो मीठा रस उत्पन्न करती है, अर्थात हमें शहद देती है जो मीठा होता है। सनस्ते सम दुर्जनाम, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन व्यक्तियों के बुरे वचन, कटु वचन, कड़वे वचन सुनने के बाद में भी कड़वे वचन नहीं बोलते हैं, क्या करते हैं, अभी हमेशा मीठे वचन ही बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, यहाँ से हमें आज स्टार्ट करना था, ये सारा हमारा पुराना रिविजन था। विहाय पौरुषम यो ही देव मेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धति तिष्ठन्ति वायसः। कि जो व्यक्ति पौरुष अर्थात मेहनत, जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर अपने भाग्य पर ही बैठे रहते हैं, मतलब अपने भाग्य के भरोसे ही रहते हैं, उसी तरह से प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्छित तिष्ठन्ति, जिस तरह से जो शेर है, शेर की जो मूर्ति है उस पर आकर कौवे बैठ जाते हैं, मतलब वो शेर है, शेर से क्या होते है? सारे पशु पक्षी डरते हैं, लेकिन जब उसकी मूर्ति बन जाती है तो क्या होता है, उस पर कौवे भी आकर बैठने लगते हैं। इस तरह से हमें हमेशा अपने पुरुषार्थ पर, हमारी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए, हमेशा भाग्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चिंतनिया ही विपदाम आधा वेव प्रक्रियाम न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही नना ग्रहे। की चिंतताम, हमेशा हमें विपदा अर्थात संकट आने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए, मतलब कि कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली होती है उससे पहले ही हमें उसके जो सॉल्यूशंस है वो पहले ही ढूंढ लेने चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही नान ग्रहे, जिस तरह से आग लगने पर घर में, जिस तरह से घर में आग लग जाती है उसके बाद में कुआ नहीं खोदा जाता है, उसी तरह से हमें विपदा या संकट आने से पहले ही उसके सॉल्यूशंस ढूंढ लेने चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पाठे दत्ता नाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। इसमें आपको रीड करने के लिए बोला है कि आपको पूरे चैप्टर का रीडिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानी पूर्यत। इसमें श्लोकों के अंश दे रखे, इससे आपको पढ़ के चैप्टर में से और इसके फिलअप्स कम्प्लीट करने, ये आपको खुद कर